वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने एक बार फिर कांग्रेस पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस एक बार फिर तुष्टिकरण की राजनीति के आधार पर आगे बढ़ना चाहती है। वहीं उन्होंने सीएए को लेकर कांग्रेस नेता पी चिदंबरम के बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि कांग्रेस ना तो सत्ता में आने वाली है और ना ही निर्णय लेने वाली है। अमित शाह ने कहा कि 1960 के दशक से कांग्रेस ने चुनाव जीतने के लिए तुष्टिकरण की राजनीति को चुनाव जीतने का हथियार बनाया। साल 2014 से पीएम नरेंद्र मोदी ने विकासात्मक एजेंडे को जनमानस में स्थापित किया और उसी के आधार पर देश में चुनाव शुरू हुए। कांग्रेस को इसका सामना करना पड़ रहा है। विकास के आधार पर चुनाव लड़ने में कांग्रेस को बहुत कठिनाई हो रही है और इसलिए वो लगातार चुनाव हार रहे हैं। साथ ही कहा कि भाजपा अपने सिद्धांतों पर अटल है। हम किसी के साथ अन्याय नहीं करेंगे, लेकिन हम तुष्टिकरण भी नहीं करेंगे। कांग्रेस ने अपनी एपीसमेंट की पॉलिटिक्स को चुनाव जीतने का हथियार बनाया। इसके खिलाफ हम सालों से संघर्ष कर रहे थे। 2014 से नरेंद्र मोदी जी ने डेवलपमेंट का एजेंडा जनमानस के बीच में सेट भी किया और उसके आधार पर चुनावों की देश में शुरुआत हुई। कांग्रेस को बहुत तकलीफ पड़ रही है डेवलपमेंट के एजेंडे पर, विकास के एजेंडे पर चुनाव लड़ने में लगातार वो पराजित हो रही है। फिर से एक बार एपीसमेंट की पॉलिसी के आधार पर वो आगे बढ़ना चाहती है। चिदम्बरम ये नहीं कहते हैं कि सीए में क्या बुराई है, हम सीए हटा देंगे। क्यों हटाना है? क्योंकि उनको अपनी माइनॉरिटी की पॉलिटिक्स करनी है, माइनॉरिटी वोट बैंक को मजबूत करनी है। भारतीय जनता पार्टी अपने सिद्धांतों पर अटल है। हम किसी के साथ अन्याय नहीं करेंगे, सबके साथ न्याय करेंगे, परंतु तुष्टिकरण भी किसी का नहीं करेंगे। इस नीति पर हम आगे बढ़ रहे हैं और सीएए से इस देश में बहुत बड़ी तादाद में पड़ोसी देशों से आए हुए रिलीजियस माइनॉरिटी, हिंदू, बौद्ध, जैन, सिख, इस सभी को नागरिकता मिलती है, सुरक्षा मिलती है। मैं नहीं समझता इससे कांग्रेस को क्या आपत्ति है। सीएए से किसी का नागरिकता जाना नहीं है, ये भ्रांति फैला रहे हैं और एपीसमेंट की पॉलिटिक्स कर चुनाव जीतना चाहते हैं। मैं चिदंबरम साहब को इतना ही कहना चाहता हूं कि आपका ये इरादा कभी पूरा नहीं होने वाला है। देश की जनता अब कांग्रेस पार्टी को भली भांति जान चुकी है। जहां तक तीन कानून का सवाल है, चिदंबरम स्वयं कमेटी में थे, उन्होंने कई बार ये तीन कानूनों के बारे में कमेटी में चर्चा करते वक्त काफी अच्छे सुझाव भी दिए, सराहना भी की। तीन कानून से देश की क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम दुनिया में सबसे आधुनिक बनेगी और 3 साल में ज्यादा से ज्यादा हरेक व्यक्ति को न्याय मिलेगा। कांग्रेस नहीं चाहती कि इनके सामने जो करप्शन के मुद्दे हैं, करप्शन के केस हैं, वो कभी भी अंजाम तक पहुंचे। उनको न्याय लंबित हो उसमें इंटरेस्ट है, मगर भारतीय जनता पार्टी की पॉलिसी स्पष्ट है, नरेंद्र मोदी जी की पॉलिसी स्पष्ट है। हर नागरिक का कम से कम समय में न्याय पाने का संवैधानिक अधिकार है, वो देने के लिए हम कटिबद्ध है। कांग्रेस ना सत्ता पर आनी है, ना इनको ये फैसले करने हैं।